के साथ ये नजारा है। क्या बात है, क्या बात है, ये देखिए साहब, ये इंतजार कितना लंबा है इन लोगों का, इतनी देर से, बस सिर्फ इतना ही था, एक दीवाना ना और एक जो फैन है वो सिर्फ इतना ही तो है, इसको हाथ तो हिलाना है सिर्फ। अब आप देखिए यहां से यात्रा करके अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका से वेस्ट इंडीज पहुंच गए, बस क्या था कि टीम को देख सके, मिल सके। ये कुछ सेकेंड्स का है, इसके बाद ये कितना लंबा, मुंबई जानते हैं आप साहब, कितना लंबा सफर तय करेंगे, फिर ये घर पहुंचेंगे। लेकिन ये एक उत्साह जो झंडे को, तिरंगे को लेकर जो उत्साह है, जो देश के साथ जुड़ने का, जो उस टीम के साथ जुड़ने का जो जज्बा है, वो जो खुशबू है, उसको इन्होंने उसको अंदर जज्ब किया है। वो जो चीज़ जज्ब पर है, वो एक बार मैं उस चीज़ का ऐतिहासिक क्षण का गवाह था। जैसे आप, जैसे आप जीत के आए, जैसे है ना, कि आप जब उस, आपने अमेरिका में वेस्ट इंडीज में वो बताई, वो जो क्षण जीता जब जिस 7 रन से मैच जीता, तो क्या वो क्या नजारा, क्या था, आपने मन में क्या सोचा? मन में बस सोचा कि आना सफल हो गया। अभी तक बहुत मन में दुविधा थी उस समय, तो एक्चुअली उस समय जो 5 ओवर थे, वो 5 ओवर सांस रुकी पड़ी थी, वो ऐसे लगा कि सांस निकल के पता नहीं कहाँ चली गई। ओ मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकता हूँ सर उसको, जब भी याद करता हूँ ना, वो दिमाग वहाँ ऐसे वाले जोन में चला जाता है कि वो उसके पुराने क्षण याद आके ना, वो ऐसा लगता है कि जो पिछला वो ओडीआई कपड़े में से पता नहीं क्या निकाल लाए। मुझे मालूम है, जब वो मैच देख रहा था पिछला वाला, जो ओडीआई का वर्ल्ड कप का फाइनल में थे, फाइनल खेल रहे थे सर, मैंने, आप यकीन मानेंगे, मेरे जब मैच चल रहा था उससे पहले 2 दिन पहले स्पेशल ट्रेन चलाई मोदी जी ने यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो जाना चाहते थे। मैंने देखा जो मेरे फ्रेंड्स आए वो क्या एंजॉय करते हुए आए, लौटते हुए मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कराई कि मैं जाते हुए इस ट्रेन में जाऊंगा, बट लेकिन जब गया हूँ तो बस सर सोते हुए गया हूँ, वो मुँह ढक के, वो मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी वो बहुत, लेकिन वो, लेकिन ठीक है, दिल टूटता है, अच्छा खेले पूरा टूर्नामेंट, लेकिन पूरा टूर्नामेंट दबा के रखे। 5 दृश्य देखिए आप इस समय, ये 5 दृश्य देखिए, अपने आप में कोई बोलने की, कहीं कुछ कहने की, ये देश को ये मौके बहुत कम आते हैं। जी हाँ, 2011 उसके बाद अब, और अगर आप बात करेंगे G20 वर्ल्ड कप की, 2007 के बाद अब है ना साहब, तो ये वो दृश्य है, वो काफिला है और वो जनसैलाब है, वो लोगों का हुजूम है, ये दीवानगी है, और वो जो सामने उमड़ के सामने मुंबई की इस वक्त सड़कों पे देख रहे हैं। क्या बात है मुझे लगेगा, लग रहा है पहुंचने में उनको टाइम लगेगा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सच बताएं साहब, मैं आज बहुत मिस कर रहा हूं मुंबई को, आज मुझे लगता है कि मुझे वहीं होना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, कुछ पेशे की भी चीज़ें होती हैं, तो आपको यहीं से आपको बोलना है, यहीं से आपको बताना है, यहीं से आपको देखना है, और आप सामने जो बैठे हैं इसके सामने चाय का प्याला लेके, आपको भी अपने घर पे उसी का आनंद लेना है ऐसे ही। तो आप जो अगर मुंबई में हैं तो आनंद मुंबई में लीजिए, अगर मुंबई की सड़कों पे तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुंबई की घर पे बैठ के अगर कहीं कभी अभी चाय पी रहे हैं तो फिर ये सैलाब देखिए, इसका आनंद लीजिए, जिसको कि मैं खुद यहाँ पे स्टूडियो से बयां कर रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी तरह, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता तो इस वक्त यहाँ पर दृश्य सामने उपस्थित हुआ है। दिवाकर भैया आ जाओ जल्दी से, दिवाकर भाई जी, प्रतीक जी, क्या बात है, मैं कह रहा था जल्दी से आ जाओ भाई, जरा बोलो बताओ कि इस वक्त जो दृश्य है, जो देख रहा हूँ, वो तो बस मैं तो आनंद ले रहा हूँ इस समय, और आप उस आनंद से जुड़ जाइए, वो तमाम लाखों लोग जो इस वक्त पूरी दुनिया में आनंद ले रहे हैं, जो मुंबई में इस वक्त आप दिखा रहे हैं, उस आनंद से जुड़ जाइए, आप अपने शब्दों में इसको बयां कर डालिए जी। दिवाकर देखिए प्रतीक जी, जैसे ही टीम इंडिया की टीम जो है बाहर आई, वह तमाम खिलाड़ी बाहर आए, वैसे ही एयरपोर्ट पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, शायद वो 17 सालों का जो सूखा था वो खत्म हुआ, और जो खुशी लोगों के चेहरे पे देखने को मिल रही थी, हर तरफ शोर ही शोर नजर आ रहा था, एक तरफ खिलाड़ी एक एक करके बस में सवार हो रहे थे, लेकिन बस में बैठने के बाद पर्दे हटाकर खिलाड़ी अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लगातार जब हार्दिक पांड्या बाहर आए, हाथ में उनके वो वर्ल्ड कप था जो 29 जून को टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा कर जीता है, वो जो है उनके हाथ में, जैसे उन्होंने हाथ ऊपर किया वैसे ही
जो तस्वीरें थी, जो पब्लिक थी, वो पूरी तरह से उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती थी और उन्होंने उसे कैद किया। इस वक्त टीम इंडिया जो है वो नरीमन पॉइंट के लिए रवाना हो चुकी है। मैं जहां मौजूद हूं ये एयरपोर्ट की तरफ। दिवाकर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने कहा जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए, वो हार्दिक पांड्या के हाथों में उस वक्त वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी उनके पास थी, यही आपने बोला ना साहब? बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, बिल्कुल प्रतीक। और ये मैसेज है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने भी वो, मैं आप मुस्कुरा दिए मेरी बात पे और मैं भी मुस्कुरा दिया क्योंकि मुझे वो याद है। तो आईपीएल देख रहा था उस वक्त, तो मुझे भी याद आ गया वो इसी वक्त इसी बार बनाए गए हैं कैप्टन और हुटिंग भी हुई कुछ। लेकिन ये देखिए मैसेज है, मैसेज है बहुत क्लियर। खिलाड़ी यही होता है, देखिए सामने उनके पास वो वर्ल्ड कप वो जो उठाए हुए हैं, ये मैसेज है बहुत क्लियर। आप वानखेड़े में मुझे वो मैच हो रहा था मुंबई में, वो मुझे ध्यान है अच्छी तरह से, अब वह थोड़ा हुट किया लोगों ने, लेकिन खिलाड़ी फिर खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी फिर जज्बे वाला होता है, जज्बा मतलब खिलाड़ी। और ये जो उत्साह, ये जो उमंग और ये जो तरंग और ये जो एक एक निश्चिंतता सी दिखी हुई आपको देखेंगे अगर, हाँ, कंधे पे रखी हुई है ट्रॉफी और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये विराट का, ये सॉरी हार्दिक पांड्या, तो मुझे वो दृश्य याद आ गया जैसे ही दिवाकर ने बोला। रात को मैं इवनिंग में था, स्विमिंग कर रहे थे, तो स्विमिंग करते हुए बिल्कुल मतलब इतने काम नजर आ रहे थे, इतने मुझे लग रहा था कि यार यही हार्दिक पांड्या, आई डू हैव वीडियो, हार्दिक पांड्या थे, कुलदीप थे, दोनों लोग स्विमिंग कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो वो बॉडी लैंग्वेज। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं देख रहा था विराट कोहली का, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो पूरा नजर आ रहा था कि कल बल्ला चलना ही चलना है। एक दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन पहले आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक दिन पहले, देखिए हाईली प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं ये, हाईली प्रोफेशनल खिलाड़ी, और ये बिल्कुल कैसे 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 एक दिन ठीक, एक दिन पहले कैसी रात होती है, हालांकि थोड़ा बहुत तो क्यूरियोसिटी और तमाम तरह का प्रेशर होता है, लेकिन मैं आपसे